अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बना रहे हैं मिक्स सब्ज़ियाँ। बहुत फरमाइश थी कि कलर ख़राब हो जाता सब्ज़ियों का, मैशी हो जाती हैं, अच्छी नहीं बनती, मिक्स हो जाती हैं। तो आज स्टेप बाई स्टेप आपको समझाऊंगी मैं। चलें जी, इंग्रेडिएंट नोट करें मिक्स सब्ज़ियों के। मुंगरे लिए मैंने एक पाव, आलू एक पाव है, गाजरें एक पाव है, मटर भी एक पाव ले लिए मैंने, और मेथी की एक गट्ठी है। ये हरी मिर्ची और हरा धनिया है। ये मेथी है, एक गट्ठी ली है, इसके पत्ते तोड़ लिए अच्छी तरह से, इसको तो काट के तो वॉश कर लिया है। प्याज एक है दरमियाने साइज़ की। टमाटर है तो टमाटर डाल लें अगर आपके पास टमाटर है तो, अगर नहीं है तो ये टमाटो पेस्ट मेरे पास पड़ी हुई थी मैंने वो 2 से 3 टेबल स्पून ले लिए। हाफ कप घी है या ऑयल ले लें, कुछ भी आपकी मर्जी है। स्पाइसिस बहुत कम है इसमें। मिर्ची है 1 टीस्पून, नमक 1/2 टीस्पून है, हल्दी 1/2 टीस्पून है, 1 टीस्पून धनिया जीरा कुटा पिसा हुआ है, और ये गरम मसाला ये भी 1/2 टीस्पून है। बहुत कम इंग्रेडिएंट में ये बनती है, बहुत टेस्टी बनती है। अगर आप चाहें तो इसमें शलजम और फूल गोभी वो भी ऐड कर सकते हैं, इसी मिकदार में, इसी क्वांटिटी में आप कर लें वो भी इसमें। ये बहुत अच्छी वेजिटेबल बनेगी, सर्दियों का एक तोहफा है ये, घर में बहुत मज़े से खाई जाती है। रोटियों में भी लोग बनाते हैं, पराठे बनाते हैं इसके। ये बनाएं और पकाएं, चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। से डालेंगे इसमें घी या ऑयल, आपकी मर्जी। ऑयल इस्तेमाल करते हैं तो ऑयल डाल लें 1/2 कप, अगर नहीं तो घी डाल लें। इसके साथ प्याज, घी में प्याज डाल दिए एक दरमियाने साइज की काट के मैंने। इसको हल्का सा करमलाइज करेंगे, इसको ब्राउन नहीं करना, ना इस पे ज़्यादा कलर आए। अदरक लहसुन इसमें बिल्कुल नहीं जाएगा। सबसे पहले मैंने इसके साथ ही मेथी डाल दी अच्छी तरह से वॉश करके, इसको भून लिया, पानी ड्राई हो गया, फिर इसमें मुंगरे डाल देंगे। स्टेप बाय स्टेप सब्ज़ियाँ डालेंगे, जो ज़्यादा देर टाइम लेती हैं गलने में वो पहले डालेंगे, जो बाद में गलने वाली वो आहिस्ता आहिस्ता बाद में डालेंगे। मुंगरे थोड़े से गल जाएंगे, पहले मेथी डाली है, मुंगरे डाले हैं, वो गल गए हैं थोड़े से। इसके बाद मैंने स्पाइसेस डाल दिए हैं, नमक मिर्च हल्दी, 3 चीज़ें हैं जो आम घर में हर सब्ज़ी में, हर दाल सब्ज़ी में डलती हैं ये। इसको भून लिया अच्छी तरह से, ये देखें। अब टमाटो पेस्ट डाल दें या टमाटर काट के डाल दें, चॉप करके टमाटर हैं तो टमाटर ही डाल दें। इसके साथ ही डलेंगे, ये साथ ही गल जाएंगे, साथ ही मैश हो जाएंगे इसके। अब गई इसमें गाजर, गाजरें भी चॉप की हुई हैं, वो भी थोड़ा सा गलाएंगे, इसको भूनेंगे। मटर और आलू तो कम टाइम में गलते हैं, अब वो इसमें ऐड करेंगे। ये आलू डाल दिए, इसके साथ ही मटर डाल देंगे। पानी इसमें बिल्कुल नहीं मैंने डाला, जो वेजिटेबल पानी छोड़ेगी उसी में ये गलेंगे, इसी से इसका कलर ख़राब नहीं होगा। अगर आप पानी डाल देंगे तो सब्ज़ी मैश भी हो जाएगी और कलर भी ख़राब होगा, क्योंकि पानी के साथ कलर है जो इसका ख़राब होता है वो। ये देखें कितना प्यारा कलर है, कितना अच्छा कलर लग रहा है वेजिटेबल का। चूल्हा मैंने हल्का कर दिया, बिल्कुल इतना भी ना करें कि बिल्कुल लाइट ना करें, मीडियम स्लो हीट पर ये गलेंगे। दम पर लगा दिया इसको, ये देखें आलू गल गए हैं बिल्कुल उसी पानी में। पानी मैंने बिल्कुल इसमें ऐड नहीं किया, बिल्कुल आलू वगैरह सारी वेजिटेबल गल गई है। अब धनिया जीरा गरम मसाला जो 1/2 टीस्पून रखा था वो मैंने डाल दिया। हरी मिर्च, हरा धनिया भी ऊपर से डाल दें। बस हमारी वेजिटेबल तैयार है, देखिए बहुत मज़े की बनती है ये, घर में ज़रूर बनाएँ, ट्राई करें। वीडियो पसंद आए लाइक करें, कमेंट करें, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।